हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। सारा काम खत्म हो चुका है और ये देखिए मेरा बेटी को देखिए, बस हमें खाना खाना है। खाना खाने के बाद फिर उसके बाद पूरे दिन मैं क्या करने वाली हूँ, रात तक का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बहुत ही एक अच्छी सी रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिए। अच्छी खासी धूप आप देख सकते हो निकली हुई है, लेकिन हवा भी चल रहा है तो गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है। ये देखिए क्या कर रहा है मेरा बेटा, पूरा दिन इसका ऐसे ही मस्ती चलता रहता है, जो चीज़ देख लेगा उसको तुरंत चाहिए। ये देखिए तो चलिए फ्रेंड्स, मैं खाना खा करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। ये मैं थोड़ा सा बाहर आए थे, हम लोग सो के उठे तो कुछ काम था, तो आप देख सकते हो वो काम मेरा हो चुका है। अब मैं हम लोग यहाँ से निकलेंगे और घर जाएंगे। रास्ते में कुछ सामान चाहिए था घर के लिए, तो यहाँ पे देखिए मैं शॉप पे आ गई हूँ और सामान लेकर के चल के मिलती हूँ आप लोगों से घर पे जा करके। क्या खा रहे हो रियांश? क्या देखा रहे बेटा? क्या खा रहे हो? ये समोसा खा रहा है। इसको जो भी चीज़ हम लोग लेकर के आते हैं एक अलग से चाहिए होता है, चाहे वो समोसा हो कोई भी खा। तो बस सो के मैं उठ चुकी हूँ, काफ़ी लंबे समय तक मैं सो गई। मैंने हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद फिर इतनी अच्छी नींद आने लगी कि बस मैं सो गई और सो करके उठी मैं 6 बजे। मतलब मेरी नींद ही नहीं खुल रही थी, मुझे इतनी नींद आ रही थी कि उसके बाद फिर थोड़ा सा काम था मार्केट में, वहाँ पर चले गए, थोड़ा सामान लेना था। कुछ क्लिप में आपने देख ही लिया होगा, थोड़ा थोड़ा क्लिप मैंने ऐड किया है। कुछ सामान घर का कुछ सामान था, सब्जी मसाले वगैरह, गरम मसाले वगैरह ख़त्म हो गए थे और कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो मुझे लेनी थी, तो बस उसको लेने चले गए। और वहाँ से आए हम, आने के बाद बस अब बैठी हूँ, चाय रख दिया है मैंने, चाय बन रहा है, फिर चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद बहुत ही बढ़िया और यम्मी वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ मैं आज। वो क्या शेयर करने वाली हूँ थोड़ी देर में आपको सबको पता चल जाएगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे आपको मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज की मैं रेसिपी आपके संग शेयर करूँगी। तो सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, किस सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और कैसे बनाऊँगी वो सब मैं आपको भी चाय पीने के बाद थोड़ी देर में सारा कुछ दिखाने वाली हूँ। तो बस वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैंने सोचा आपको शाम का मौसम दिखा देती हूँ, आप देख ले सकते हैं कितना अच्छा मौसम, बहुत ही सुहाना मौसम हो चुका था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और लग रहा था कि बारिश होने वाला है, लेकिन बारिश हुई नहीं। पर आप देख सकते हो ये मौसम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है गाइस। ये देखिए यहाँ पे देखिए चाय रेडी है मेरी, तो चाय पीने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। रियांश बाय बाय। इसकी सब्जी की रेसिपी शेयर करूँगी, कटहल 2 प्याज़ा, बिल्कुल जैसे हलवाई स्टाइल में शादियों में बनता है। कटहल को काटते वक्त आपके हाथ में गुदा लग जाता है, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, सरसों का तेल ले लीजिए थोड़ा सा, इस तरह से सरसों का तेल ले लीजिए, इसको हाथों में लगा लीजिए, तो इस तरह से हाथ में लगा करके लगा लोगे आप हथेली पे और फिर कट करोगे तो जो गुदा होता है वो चिपकेगा नहीं हाथ पे और निकल जाएगा, और फिर इस तरह से इसको कट कर लेंगे। इसका बीच वाला पार्ट जो है उसको कट करके पहले निकालेंगे, ये जो पार्ट होता है इसका, ये हार्ड होता है, इसको निकाल देंगे और इस छिलके को निकाल देंगे, फिर इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, एकदम छोटा भी नहीं, इसमें 2 पार्ट करेंगे बस बीच में से, और न एकदम बड़ा बड़ा रहेगा। तो इस तरह से पहले कटहल को कट करेंगे। और यहाँ पे शाम का ज्योत देखिए जला दिया है मैंने, सब्जी कट हो गई है और इसको जलाने के बाद फिर मैं अभी बाहर भी आप देख सकते हो तुलसी जी और समी के पेड़ के पास यहाँ पे कुछ पौधे रखे हुए हैं मैंने, तो तुलसी जी और समी के पौधे के पास भी दिया जला दिया है। और मौसम आप देख सकते हो 7:30 से ज़्यादा हो रहा है टाइम, लेकिन फिर भी अंधेरा अभी तक नहीं हुआ है, दिन काफ़ी लंबा होता है गर्मियों में,
लेकिन बहुत सुहाना मौसम हो गया था। ये देखिए इस तरह से कटहल को कट कर लेंगे, आप देख सकते हो कटहल का बीच का पार्ट और छिलका अच्छे से निकालने के बाद इतने बड़े बड़े पीस में इसको कट कर लेंगे। बहुत बड़ा बड़ा पीस भी नहीं करेंगे ना एकदम छोटा करेंगे, इस तरह से इसको कट करेंगे। और आलू भी देख सकते हो आप किस आलू कट करेंगे, न एकदम हमें पतला करना है न एकदम मोटा मोटा कट करना है, इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है। इन दोनों को पहले फ्राई करेंगे, तो चलिए फ्राई कर लेते हैं पहले। और ये कटहल जो है ये बड़ा वाला कटहल नहीं है, छोटे छोटे कटहल जो आते हैं वो है, उसकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। बड़े कटहल की सब्जी इतनी अच्छी नहीं बनेगी जितनी अच्छी छोटे कटहल की बनती है, जैसे कि लेढ़ा कहते हैं। तो उसको इस लेके आप आइए, बाज़ार में 30-40 रुपए का मिल जाता है, और उसको इस तरह से कट कर लीजिए। अब इसको फ्राई कटहल को पहले फ्राई करके निकाल लेंगे। तो उसके लिए देखिए कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच बड़े चम्मच से तेल डाला है, खाने वाले बड़े चम्मच से। अब इसमें कटहल को डाल देंगे, अब इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने से कटहल का फ्लेवर जो है बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसको रेड नहीं करना है, एकदम पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्राई हो चुका है कटहल। थोड़ी देर बाद जब फ्राई हो जाएगा ये, तो आप देखोगे इसमें से बढ़िया से खुशबू आने लगती है। तो बस आप कटहल को निकाल कर लेंगे। अब सेम कढ़ाई में 1 चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में ही कटहल का सब्जी बनाइए, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें आलू डाल देंगे, आलू को भी फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर ही। आलू को भी हल्का सा ब्राउन हो जाए तब तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक प्याज लिया है मैंने, रफली चॉप किया है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 6 लहसुन की कलियाँ, 3 हरी मिर्च, कुछ खड़े मसाले हैं जैसे कि 1 चम्मच जीरा, दालचीनी का टुकड़ा है आप देख सकते हो, 6-7 काली मिर्च है, जावित्री है, 4 लौंग हैं, और यहाँ पे 1 बड़ा टमाटर। अब इन सब को एक साथ पीस लेंगे, पीस करके इनका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा डाल के जैसे नॉर्मली हम मसाला पीसते हैं वैसे इसको पीस लेंगे। देखिए आलू भी रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आ गया है। अब इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के लिए सेम कढ़ाई में मैंने देखिए 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। तेल को गर्म होने देंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, 2 तेज़पत्ता और 3 लाल मिर्च डाला है मैंने इसमें। अब हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे। 3 बड़े प्याज को इस तरह से पतला पतला कट किया है मैंने, अब इसको इसमें डाल देंगे। और इसको मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच भर के डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इस सबको मिक्स करके पका लेंगे। फिर गलाने तक इसको हमें पकाना है, तो मीडियम टू हाई करते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको पका लेंगे। अगर आप हाई फ्लेम कर रहे हो तो कंटिन्यू खड़े होकर चलाते रहिएगा, वरना ये जल सकता है। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने से ये बहुत जल्दी गल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा नमक डाल दिया है। बाद में भी नमक ऐड करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा नमक इस टाइम पर नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे जिससे कि जल्दी से गल जाए। जब तक प्याज पक रहा था तब तक मैंने सोचा कि बाबू का थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ क्या कर रहा है। वो दूध पीता है, तभी पीता है जबकि वो उसके हाथ में मोबाइल होगा, बिना मोबाइल के वो दूध पी ही नहीं सकता। और देखा कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो वो फिर देखिए कैसे कर रहा है, देख लेता है कि अगर मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ या कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वो कुछ ना कुछ ऐसे हरकतें करने लगता है। प्याज देखिए हो चुका था। अब इसमें जो मसाला पीस करके रखा था, पेस्ट बनाया था प्याज टमाटर हरी मिर्च वगैरह का, अदरक लहसुन का, उसको इसमें डाल देंगे और इसको फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको फिर से फ्राई करें। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी ऐड करने से मसाला जो है वो नीचे पकड़ेगा नहीं और बढ़िया से पक जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें ग्रेवी अभी ऐड नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना पानी ऐड करना है कि मसाला बढ़िया से पक जाए।
पकड़ने लगता है, मतलब नीचे जलने लगेगा मसाला। और जला हुआ मसाले की सब्जी, जले हुए मसाले का टेस्ट जो है सब्जी में बिल्कुल अच्छा नहीं आता, इसलिए इसको अच्छे से पकने देंगे, मीडियम फ्लेम कर देंगे और पकने देंगे जब तक कि इसमें से तेल सेपरेट नहीं होता और प्याज लहसुन का कच्चापन दूर नहीं हो जाता। तेल देखिए सेपरेट हो रहा है और बड़ी अच्छी से इसमें से खुशबू आने लगी है। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच किचन किंग मसाला। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर दो। अब फिर से इसको, वैसे तो मसाला पक चुका है एकदम बढ़िया से, आप देखिए इसमें तेल भी सेपरेट होने लगा है और बहुत ही अच्छी से खुशबू भी आने लगी है। अब फिर से इसको 2 मिनट के लिए भूज लेंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और मसाला भी अच्छे से पक चुका है। अब इसमें जो कटहल और आलू फ्राई करके रखा था वो सब इसमें डाल देंगे। अब फिर से इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और मसाले के संग मीडियम फ्लेम पर 4 से 5, 5-6 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखिए ये पक चुका है। अब इसमें डालेंगे पानी। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जितना आपको पानी चाहिए उतना आप इसमें डाल सकते हो। ऊपर से डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, ढेर सारे धनिया के पत्ते और इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको पकने देंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हो, जितना आपको चाहिए। ऊपर से 1 चम्मच गरम मसाला डाला है। ऊपर से डालने से गरम मसाला का फ्लेवर जो है बहुत बढ़िया आता है और टेस्ट सब्जी की बहुत ही अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है टेस्ट सब्जी की, इसलिए ऊपर से ही डालिए। आप चाहें तो इसको मसालों के, बाकी मसालों के साथ भी पका सकते हो गरम मसाला को, लेकिन अगर आप ऊपर से डालोगे तो उसका फ्लेवर ही कुछ अलग होता है। अब बस फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको पकने देंगे। पहले भी नमक डाला था तो नमक हिसाब से ही डालिएगा, थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर देंगे। रेडी हो चुकी है मेरी सब्जी, कितनी बढ़िया दिख रही है, बहुत अच्छा लगता है गाइज। इसके साथ मैंने गर्मा गर्म रोटियां बनाई है, चावल दाल सब कुछ मैंने बना लिया है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मेरी सब्जी हो गई, सब्जी के साथ ही गर्मा गर्म मैंने चावल बना लिया था और दाल को, दाल बना कर उसको फ्राई भी कर लिया है और साथ में मैंने इसमें चावल भी बना के रखे हैं। तो सारा खाना मेरा रेडी हो चुका है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइज मुझे, तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों को कैमरे के सामने। तो खाना मेरा बनके रेडी हो चुका है और आप लोग देख सकते हो मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी है, बहुत गर्मी है गाइज। तो बस अब पहले मैं जाके नहा लेती हूँ, उसके बाद 9:30 बज चुके हैं रात के, मैं पहले नहा लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। बस मैंने नहा लिया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइज यहाँ पे, इसलिए मैं पहले खाना बनाने के बाद तुरंत मन करता है कि पहले नहा लो। तो बस मैं नहा के आ गई हूँ और अब हम डिनर करेंगे। और ये आप देख सकते हो बेटू मेरा पापा के संग अपने खेल रहा है, उसको ऐसे ही खेलने के लिए चाहिए, कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना चाहता। ये भी नहा वहा लिया है, अब इसको खेलने के लिए चाहिए। अब ऐसे ही ये 11, 11:30, 12 बजे तक खेलता रहेगा, यहाँ देख रहे हो बेड पे बिल्कुल भी, मैं बेडशीट बिछाती हूँ और ये उठा के फेंक देता है, इसको क्या दुश्मनी है पता नहीं। ये देखिए कितना मस्ती कर रहा है। तो बस 10 मिनट बाद हम लोग खाना खाएंगे। खाना हमारा डिनर वगैरह सब हमारा हो चुका है, खाना हो चुका है, सारे सब कुछ सफाई भी हो गई, बर्तन वगैरह सारा कुछ धुल दिया है और बस अब बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है, अब सो जाएंगे हम लोग। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। और अगर आप ऐसी ही मेरी और भी वीडियोस देखना चाहते हो, रेसिपीज देखना चाहते हो, तो आप मेरे कुकिंग चैनल होम कुकिंग विद नेहा को सब्सक्राइब कर दीजिए। उस चैनल पर भी ये कटहल की सब्ज़ी की रेसिपी जाएगी और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने उस पर बताया है, तो अगर आपको बहुत ही डिटेल में देखना है तो आप उस पर जा कर के देख सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, आज का ब्लॉग आपको पसंद आता है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, आगे की मेरी जो भी वीडियोस आएंगी वो आप देख पाओगे। और मेरे कुकिंग चैनल होम कुकिंग विद नेहा को भी सब्सक्राइब कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए, अपना साथ बनाए रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए ब्लॉग के साथ, तब के लिए बाय बाय, गुड नाइट।